क्या है पूरा? देखिए, पुलिस को करीबन 7:15 बजे सुबह संज्ञान में आया कि एक घटना किसी घर में कार्य हुई है, उसमें कुछ लोगों की बॉडीज पड़ी हुई हैं। तत्काल 15 से 20 मिनट में पुलिस मौके पर पहुंची और सारे वरिष्ठ अधिकारीगण भी यहाँ पर आ गए हैं। संज्ञान में यह आया कि 4 लोगों की धारदार हथियार से हत्या की गई और इन 4 लोगों में 2 लेडीज हैं और एक पुरुष और एक छोटा बच्चा भी। तो ये तथ्य भी प्रकाश में आए हैं। घर का सामान बिखरा पड़ा है तो हो सकता है लूटपाट के बाद ही इस तरह की घटना घट गई। क्या कोई मतलब लूटपाट है या कोई पुरानी रंजिश की वजह अभी तक? देखिए, अभी तो प्राइमा फेसिक पुलिस हर एंगल पे अपनी जांच बिठाए हुए है। सारे एंगल हैं, उन पर सारी टीम हमारी काम करेंगी, लेकिन प्राइमा फेसिक अभी जो बात यही है कि घर का सामान बिखरा हुआ है तो लूटपाट की आशंका है। सर, घर में 4 ही लोग थे कि? 4। सर, लगातार एक छोटी बच्ची भी थी तो उसको कुछ नहीं किया गया। वो करीबन 2 माह की थी, लेकिन 4 अन्य जो लोग थे जो घर में थे उनके साथ ही घटना थी। फिर लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, रोकथाम के लिए क्या किया जाएगा? देखिए, अभी बहुत सारे गैंग्स पकड़े गए इस एरिया में और काफ़ी सारी घटनाएं वर्कआउट भी हो गई, लेकिन ये घटना ऐसी है जो पुलिस के लिए भी चैलेंज है और सारी टीम्स जो हैं इसमें मिलकर इसको वर्कआउट करेंगे। इस तरह का गैंग कोई इस एरिया में ऑपरेटिव है या काम कर रहा है तो उसका सलाखों के पीछे जाना बहुत आवश्यक है। सर, लोगों का जैसे कहना है कि बगल में लीकर की दुकान और कुछ ऐसे नशा जो नशीले पदार्थ चीज़ें बिक रही, तो उसके लिए सर आप क्या कार्रवाई करेंगे? ये लोगों का ये तथ्य भी संज्ञान में लाया गया है कि एक बगल में शराब की दुकान है, तो इसके लिए हम सबसे पहले जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो संबंधित अथॉरिटी से टाइप करा के शुरू करें। ठीक, थैंक यू।